बुरहानपुर में प्राचीन परकोटे की प्राचीर दीवार के कुछ हिस्सों को रोड चौड़ीकरण के नाम पर ध्वस्त कर दिया गया। गौरतलब है कि गणपति नाके से शिकारपुरा गेट तक रोड और पुलिया निर्माण का कार्य भिन्न भिन्न स्थानों पर पिछले एक महीने से चल रहा है। उसी निर्माण कार्य के अंतर्गत राजपुरा सीलमपुरा गेट के पास ऐतिहासिक परकोटे के कुछ हिस्सों को ठेकेदार ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बिना अनुमति के तोड़ दिया, जबकि बुरहानपुर में ऐतिहासिक धरोहर कुंडी भंडारा को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। बावजूद धरोहरों पर जेसीबी चलाया जा रहा है। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। ब्रह्मपुर का ऐतिहासिक परकोटा, जिसको देखने के लिए दूर दूर से देश विदेश से लोग आते हैं, आज जो सड़क निर्माण और पुल निर्माण हो रहा है, एजेंसी ने बगैर परमिशन ऐतिहासिक परकोटे को ध्वस्त कर दिया है। हमने कंप्लेन हमारी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में की है और स्टेट आर्कियोलॉजिकल के अधीनस्थ है ये परकोटा, तो कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने स्टेट आर्कियोलॉजिकल को भी अपने कंप्लेन भिजवाई है, उसका पुनः निर्माण होना चाहिए और बगैर परमिशन तोड़ने पर ठेकेदार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बुरहानपुर शहर वैसे ही बहुत ही पुरातत्व शहर है, प्राचीन शहर, जहाँ एक और कुंडी भंडारे को हमारे यहाँ यूनेस्को में शामिल करने की बात कर रहे हैं, जहाँ हम बुरहानपुर शहर को लगातार जनता की मांग और हर नेता सदैव ये कहता रहा है कि हम बुरहानपुर को पर्यटन स्थल बनाने का काम करेंगे, और जो हमारे बुरहानपुर की जो चार दीवारी है, एक ऐसी वाल है जो कि मध्य प्रदेश में कहीं भी इतनी बड़ी दीवार, इतनी बड़ी पुरातत्व की कोई जगह नहीं है जो कि कहीं वर्तमान में हो, जहाँ की सात दरवाजे बंद होते थे, वो बुरहानपुर शहर का परकोटा कहलाता था, और आज नगर निगम स्वयं अपने हाथों से परकोटे को तोड़ने का काम कर रहा है, और कभी कोई आम जनता का कोई व्यक्ति उस परकोटे को हाथ लगाए तो उस पर कार्रवाई की बात होती है।